आज हमारा गोवा का लास्ट डे है, मतलब हम लोग आज गोवा को छोड़ के जाने वाले हैं। ऐसा नहीं, हम फिर आएंगे। तो आज हम लोग जाने वाले हैं अपने गांव। तो यहाँ पे सुबह हो चुका, मैं सुबह सुबह उठ के कैमरा पकड़ चुकी हूँ और आप पीछे घर की हालत देख सकते कितना कचरा पड़ा हुआ है, पूरे घर में फैला हुआ है। और मेरे पापा लोग तो पहले ही निकल चुके थे सुबह को ही। अब ना मैं बाहर में आ चुकी हूँ, बाहर का मौसम ना मतलब 6 बजे तक ना रात ही होता है, तो यहाँ पे 8-9 बजे सुबह ही होता है। तो आप समझ सकते हैं कितना मतलब लेट होता है यहाँ पे। तो मैंने अपने हाथों में मेहंदी भी पाड़ी है, क्योंकि जाते जाते वहाँ पे शादी है, तो शादी तो हमें अटेंड करना ही पड़ेगा। और ना बहुत मज़ा आएगा, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे मेरा आवाज़ कैसा आ रहा है, मुझे थोड़ी सर्दी हो चुकी है इसलिए। चलते हैं घर के अंदर। और यहाँ पे ना सुबह सुबह ही मेकिंग हो चुकी है मम्मी की खाना बनाने की। तो यहाँ पे देखिए, ये है अंडे की सब्जी, करेला की भुजिया, रोटी, चावल और यहाँ पे पूरी बन रहा है सुबह सुबह ही, क्योंकि हम लोगों का ट्रेन 2 बजे है, इसलिए 8-9 बज चुके हैं। और हमें घर का भी साफ सुथरा करना है। तो यहाँ पे पूरी तो पहले से बहुत सारे बन चुके हैं, 2-3-4 और बच्चे हैं, तो इनमें पूरी को पलट लेती हूँ। देख सकते हैं कितना सुंदर पूरी बना हुआ है। और ये लास्ट वन बचा है, ये हर पूरी में फूट जा रहा था और हम लोगों ने बैकपैक तो सब हो चुका है। और हम लोग पहले चल रहे पापा का पट्टी लेने के लिए, कि वो पापा का पट्टी हो जो मूसा ने काट लिया और ख़राब कर दिया, और मैंने अपने मुंह में थोड़ा सा चटनी ले लिया। और गेट को लॉक कर देते हैं, मैं यही ड्रेस पहन कर जाने वाली हूँ। तो मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है, मुझे ना रेड एंड वाइट कलर ड्रेस बहुत ही पसंद है। मॉन्ग्रेस में आ चुके हैं, हमने एक गेट ले लिया है। और अब क्या करेंगे कि हम लोग फटाफट मेडिकल शॉप जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत दिन से मेला लगा ही हुआ था, उस मैंने ब्लॉग में ये बताया था कि अभी तो उतने दिन से ब्लॉग लगाई है। तो आज थोड़ा संडे है इसलिए ना उतनी शॉप उतनी दुकान नहीं खुली है। तो बगल में मम्मी गई है मेडिकल शॉप में, और यहाँ मैं खड़ा होकर मम्मी का वेट कर रही हूँ। हमने ना ये पट्टी लेके आ चुके हैं, तो देख सकते हैं हमें ना 300 का पड़ा, थोड़ा महंगा ही हमको पड़ गया, और पापा के लिए तो लेना ही पड़ेगा ना। तो ये देख सकते हैं एक बॉक्स है, उसके साथ हमने एक मेंथो प्लस भी ले लिया है, और इसके साथ ये डिब्बा कितना क्यूट है। तो देखिए ये है ये पट्टी, बैंडेज बोलते हैं पर हम लोग पट्टी ही बोलते हैं। इसका दो हुक भी दिया है जिसके कारण ये ऐसे आप फोल्ड करके कर सकते हैं। जैसे ये ना पूरा मतलब 6 मीटर है एंड नहीं 4 मीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो देख सकते हैं बड़ा है, ये रबर के जैसे है, मतलब इसको रबर जैसे कर सकते हैं रबर के मतलब। और ये पट्टी अगर आपको परचेस करना है तो आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हैं, जिसका भी एक्सीडेंट हुआ होगा। तो आइए मैं दिखा दूँ कितने सारे हमारे बैग्स में। एक ये है बड़ा वाला ट्रॉली बैग, और वहाँ पे पीछे मेरे पीछे भी है, और यहाँ पे एक झोला है। हमारे पास अभी 3 ही बैग है, हमने 3 ही बैग लिया है, और तो पानी का बोतल भी हमने ले लिया है, पानी में रस्सी पी लेंगे। और ये है हमारा लास्ट बैग जिसमें हमने खाना रखा है, ब्रश वगैरह रखा है, ताकि हम इसे आसानी से हमें मिल सके। इसीलिए चलते हैं अपने बस पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग बस पकड़ के आ चुके हैं स्टेशन पे। आ चुके हैं स्टेशन पे, मम्मी लोग चली गए कुछ फ्रूट्स वगैरह खरीदने के लिए। मेरे पापा को ना बहुत इमरजेंसी है, पापा बहुत दिक्कत में है, इसलिए मैं सोचा कि फिर से हम लोग गांव जाएंगे। और मैंने आते आते ही मैं अपना बैग भूल गई, इसलिए मम्मी ने मेरा न्यू बैग खरीदा। एक बात बताओ, सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे इलेक्शन के लिए ना 2 ट्रेन है, इसलिए हमें बहुत अच्छे से हम बैठ के जाएंगे। आज हमें सीट भी मिल चुकी थी, और हम लोग आ चुके हैं अपने सीट पे। देख सकते हैं कितना अच्छा से हमें सीट मिला है, और ये ट्रेन निकलेगा कुल 7 बजे। ट्रेन निकल चुका है, रात हो चुकी है, यहाँ पे सब लोग पलट के अपना फ़ोन वगैरह देख रहे हैं, अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। देखिए ट्रेन निकल रही है, आप लोग सोच रहे इधर जा रहे मडगांव से, फिर से इधर घुर के ही आएगा ये वास्को की तरफ, तो बहुत मज़ा आने वाला। और ये सबसे ब्यूटीफुल ब्रिज तो यही है, देख सकते हैं कितना सुंदर ब्रिज है। ओ माय गॉड, एकदम वाटर नीला नीला लग रहा है, हिला दिया भाई, कितना प्यारा इफेक्ट आ रहा है ना। मुझे टेंशन हो चुकी है, मैंने अपने सारे मेकअप उसी बैग में छोड़ दिए, पर क्या करते हैं, रात हो चुकी है, हमने सो लिए हैं। और तो